नमस्कार किसान साथियों, मंडी भाव इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ रमेश धाकड़ और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अचानक प्याज के भाव क्यों कम हुए हैं, और हम दो तीन कारण ऐसे देखने वाले हैं वीडियो में कि प्याज के भाव की डिमांड कब तक बढ़ सकती है और अभी फिलहाल क्यों कम हुए हैं प्याज के भाव। तो पहला कारण तो ये रहेगा कि एक्सपोर्ट की क्या सिचुएशन है इंडिया से अभी, और भारत के तीन राज्यों से फसल कब तक शुरू होने वाली है, नई फसल जो निकलने वाली है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना में अभी क्या सिचुएशन है नई फसल निकलने की, कितने दिन में निकलेगी, और जो भारत का प्याज उत्पादन है उसके आंकड़े के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन का कहना है कि तीन मुख्य वजह से कम हुआ है प्याज का दाम। दाम बढ़ने की उम्मीद में लाखों किसानों ने प्याज स्टोर करके रखा हुआ है अभी भी, लेकिन कुछ वजहों से उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। प्याज के थोक दाम कम हो गए हैं, इससे किसान भी काफ़ी निराश है। इसके सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र के किसानों का कहना है कि दाम इतना कम हो गया है कि अब उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। जब दाम में वृद्धि होती है तब सरकार उसे कम करने की कोशिशों में जुट जाती है, लेकिन लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये कहना है महाराष्ट्र के किसानों का। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष श्री भारत दिघोले ने बताया कि जो प्याज 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था उसका दाम अब घटकर 1500 से 1600 रुपये तक रह गया है, जबकि 1800 रुपये प्रति क्विंटल तो लागत ही आ रही है प्याज उत्पादन करने में। खाद, बीज, कीटनाशक और श्रम सब कुछ महंगा हो चुका है, ऊपर से मंडी तक ले जाने का खर्च, आखिर घाटे की कैसे खेती होगी। अब देख लेते हैं कि किस वजह से प्याज के दाम कम हुए हैं। प्याज मार्केट पर बारीकी से नज़र रखने वाले दिघोले ने बताया कि दाम कम होने के पीछे तीन मुख्य वजह बताई है। पहला यह कि एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले धीमा हो गया है। हमारे यहाँ से खाड़ी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में इसका निर्यात किया जाता है, लेकिन हम एक्सपोर्ट कभी बंद करते हैं और कभी खोल देते हैं, इसलिए दूसरे देशों को मौका मिल जाता है। पाकिस्तान ने इन देशों को हमसे सस्ता प्याज बेचना शुरू कर दिया है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। यहाँ पर किसानों को नुकसान हुआ है भारत के। अब देख लेते हैं कि जो भारत के तीन राज्य में फसल कब तक शुरू होगी निकलनी, और सावन के महीने में लोग मीट कम खाते हैं इसलिए प्याज की खपत कम भी हो गई है। ऐसे में होलसेल और रिटेल मार्केट के दामों में कमी देखने को मिल रही है। तीसरी वजह यह है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ जगहों पर प्याज की नई फसल निकलनी शुरू हो गई है, इससे दाम कम हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में लाखों किसानों ने दाम अच्छा होने की उम्मीद में अप्रैल से ही प्याज स्टोर करके रखा हुआ है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने भारी मात्रा में प्याज का स्टोर करके रखा हुआ है, जिसके कारण आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या प्याज के भाव बढ़ेंगे। और जो तीन राज्यों में महाराष्ट्र के अलावा अभी फिलहाल जहाँ पर फसल निकलने वाली है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ जगहों पर प्याज की नई फसल निकलनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे आवक भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो भाव में देखते हैं क्या तेजी आती है और क्या नरमी आती है। और अब बात कर लेते हैं भारत में प्याज उत्पादन किस राज्य में होता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बड़े प्याज उत्पादक है। देश में सालाना प्याज उत्पादन औसत टन 2.25 से 2.50 करोड़ मीट्रिक टन के बीच है। हर साल कम से कम 1.5 करोड़ मीट्रिक टन प्याज बेची जाती है। करीब 10 से 20 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टोरेज के दौरान खराब हो जाती है। औसतन 35 लाख मीट्रिक टन प्याज का एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है। 2020 से 21
में इसका उत्पादन 26.09 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस साल यानी 2020-21 में 15,95,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई है। तो किसान साथियों, ये न्यूज़ थी कि अचानक क्यों कम हुए हैं प्याज के दाम और किसानों को इसकी लागत नहीं मिल रही है। इसके ऊपर सारी रिपोर्ट आपको बताई गई है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्याज आयात से जुड़ी जानकारी और मंडी भाव से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।